हाँ हेलो किसान भाइयों, हम गौतम सिंह फार्मिंग हब चैनल से। किसान भाइयों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि अच्छा धान की फसल तैयार कैसे हो, इसके लिए अच्छी पनीरी और मुरी कैसे दी जाए, उसका बीज कैसे उपचारित किया जाए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, आप यह वीडियो ज़रूर देखें और पसंद पड़े तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से बीज का चयन करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक बर्तन लें, उसमें 20 या 25 लीटर पानी डालें और पानी डालने के बाद उसमें 2-3 केजी नमक अच्छी तरह से मिलाएं और मिलाने के बाद उसमें धान का बिचड़ा 5-6 केजी करके डालें और धान को अच्छी तरह से मिलाएं। धान को अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसमें आप देखेंगे कि जितना भी कचरा हो, हल्का धान हो, वो ऊपर आ जाएगा और अच्छी धान नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अच्छी धान नीचे बैठ कर उसको अलग कर लें और उसको किसी बर्तन में डालकर और उसमें पानी डाल दें और 24 घंटे तक छोड़ दें। उसमें छोड़ दें, देखिए अच्छा धान नीचे बैठा हुआ है, ऊपर एक भी कचरा नहीं है। ठीक, उसके बाद आप धान को फूले हुए 24 घंटे को उसको निकाल लें। निकालने के बाद छाँव में 1-2 घंटा तक छोड़ दें और छोड़ने के बाद उस बीज को आप उपचारित करेंगे। उपचारित करने के लिए 2% के हिसाब से कार्बेंडाजिम को मिलाकर अच्छी तरह से धान में मिला लेंगे और मिलाने के बाद उसको 2-3 घंटे तक छाँव में छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद उसको जब खेत में छींटना पड़ेगा। अगर यह आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, और इसको अपने दोस्तों को बताएं कैसे क्या होता है, इससे उनको अच्छी जानकारी मिलेगी। ठीक है, चलिए अब बिचड़ा को खेत में छिड़कने के लिए चलते हैं। बीज को खेत में छिड़कने से पहले खेत में खाद, DAP मिक्सचर या कोई भी खरपतवार नाशी छिड़कें बीज छिड़कने के 1 घंटे पहले और उसके बाद बीज छिड़कें। बीज छिड़कने के बाद जब खेत में ज़्यादा पानी अगर हो तो 24 घंटे बाद पानी को अपने खेत में से निकाल दें, इससे बीज का जर्मिनेशन अच्छी होगी। धन्यवाद। यह वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करें।